नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही यूनिक तरीके की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी है। इस गर्मी के सीज़न में स्पेशली ये जो रेसिपी है बहुत अच्छी होती है खाने के लिए। तो चलिए हम बनाते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ककड़ी की सब्जी कैसे बनाई जाती है। ये नॉर्मल जो ककड़ी हम खाते हैं वही है, लेकिन ये थोड़ा सा पक गया है, थोड़ा सा बड़ा है। ये बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आप नॉर्मल ककड़ी के साथ बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पका होना चाहिए, नहीं तो ये रेसिपी अच्छी नहीं बनती है। पका होने से ये रेसिपी जो है वह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ककड़ी की सब्जी मैं बनाऊँगी, वो भी प्रॉन फिश के साथ। तो पहले मैंने इस प्रॉन फिश को अच्छे से धो के मैरिनेट किया है थोड़ा सा नमक और हल्दी के साथ। मैरिनेट करने के बाद मैं इसे हल्का सा फ्राई कर लूँगी, जस्ट थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है। प्रॉन फिश को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता है, नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए हम बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। 1 मिनट के लिए जस्ट फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। देखिए आपका प्रॉन फिश जो है वो बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको अलग से एक बर्तन में निकाल लेते हैं। उसी ऑयल में, जितना भी ऑयल है उसी ऑयल में हम इस रेसिपी को बनाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने थोड़ा सा 1/2 टीस्पून कलौंजी ऐड किया है और ककड़ी को मैंने देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। ककड़ी के जो बीज है वो हम निकाल के फेंक देंगे, वो हमको नहीं लेना है, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके से हम ककड़ी को काट के फिर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, करीबन 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम में देख के। जस्ट इसे बिना मसाले के इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर जो ककड़ी है वो लगभग फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ही मसाला, बहुत ज़्यादा मसाला हम ऐड नहीं करना है, इसे जितना ही सिंपल रखेंगे ये उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। इसलिए हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी, 1/2 टीस्पून करीबन हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, देखिए थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें करीबन एक टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, छोटे चम्मच का एक चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा ही चीनी। इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करना होता है, इसका स्वाद जो है चीनी के ऐड करने से स्वाद जो है वो थोड़ा सा अच्छा आता है और रंग भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम इसमें चीनी ऐड करते हैं। अगर आपको चीनी पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब मैं इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, करीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमें अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लेना है। मीडियम से हाई फ्लेम में हमें अच्छे तरीके से मसालों को फ्राई कर लेना है। करने के बाद करीबन 4 से 5 मिनट बाद हम इसमें करीबन 1 कप पानी ऐड कर देंगे। ऐड करके अब हम इसको ढक के करीबन 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम में छोड़ देंगे। देखिए 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम जस्ट इसे थोड़ा सा गलाने की कोशिश करेंगे, जस्ट थोड़ा सा ही चम्मच से इसको थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे, जिससे कि थोड़ा सा मैश्ड हो जाइए। अब हम इसमें चॉप्ड किया हुआ हरी मिर्च ऐड करेंगे। हमने अभी तक मिर्च इसमें ऐड नहीं किए हैं। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्च ऐड कीजिएगा। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हम फिर इसे ढक देंगे, करीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। अब हम ढकने के बाद 4 से 5 मिनट बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा जो है मैंने इसको पेस्ट बना लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है उसको। अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है, करीबन 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा का पेस्ट ऐड किया है। और साथ ही में मैंने जो प्रॉन फिश है उसको फ्राई करके रखा था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करके जस्ट 2 मिनट के लिए हमें इसे लो फ्लेम में ढक के छोड़ देना है। 2 मिनट बाद हम इसे अलग से एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए 2 मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, ये बिल्कुल इसी तरीके से आप राइस के साथ खाइए या फिर रोटी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये रेसिपी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते।